आज की इस रिपोर्ट में टेढ़े मेढ़े दांत होना एक आम समस्या है। बहुत से बच्चों के दांत बचपन से ही टेढ़े होते हैं। कई बार उनके दूध के दांत ठीक होते हैं, लेकिन जब परमानेंट टूथ यानी स्थायी दांत निकलने लगते हैं तो वो टेढ़े हो जाते हैं। ये समस्या बच्चों से लेकर वयस्कों में किसी को भी हो सकती है, हालांकि इनमें कारण अलग होते हैं। दांत का निकलना और मुड़ना, सामने के दांत या दांत ऊंचे और बाहर की ओर निकलना, सामने के दांत टेढ़े मेढ़े होना काफी देखा जाता है। टेढ़े मेढ़े दांत मुस्कुराहट को खराब करते हैं, लंबे समय तक मुख और समग्र स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। ऑर्थोडोंटिक उपचार के कई विकल्प इसमें उपयोगी है। दो तीन खास वजह हैं। एक तो थंब सकिंग है, माउथ ब्रीदिंग हैबिट है। माउथ ब्रीदिंग हैबिट बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो ऑब्स्ट्रक्शनल भी हो सकता है, हैबिचुअल हो सकता है। हैबिचुअल है तो इमिडिएटली उसको जो है ब्रेक किया जा सकता है, और अगर ऑब्स्ट्रक्शनल है तो हम ENT एपिडेटिशियन को रेफ़र करते हैं और रूल आउट करते हैं कि किस वजह से जो है ये ऑब्स्ट्रक्शनल है। बच्चों की च्यूइंग हैबिट जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। सॉफ्ट डाइट लेते हैं, बच्चे डायरेक्टली स्वॉलो कर लेते हैं, जो कि लीड करता है टेढ़े मेढ़े दांतों की, जिससे जा के साइज छोटे हो जाते हैं और सारे दांत उसमें एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से दांत टेढ़े मेढ़े उगते हैं। दांत टेढ़े मेढ़े होने के कई कारण हो सकते हैं। सुंदर और सीधे दांतों के लिए आवश्यक है कि बचपन से ही दांतों की सही देखभाल की जाए। बच्चा जब 1 साल का होने वाला होता है तो उसके दूध के दांत आने लगते हैं, और ये दांत 5 से 6 साल तक रहते हैं, फिर टूटने लगते हैं। इस दौरान माता पिता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े ना हो। 6 साल तक के बच्चे के दांत जो है दूध के दांत होते हैं, उसके बाद परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं। जब परमानेंट दांत आते हैं तो अक्सर पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं कि उनके परमानेंट दांत बच्चे के जो है प्रॉपर ढंग से नहीं आ रहे हैं, वो टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, अगर जो साइज छोटा है तब तो निकटतम किसी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से या दंत चिकित्सक से आप संपर्क करें। अदरवाइज़ इसको 10 साल तक IGT छोड़ दें। नेचर अपने आप को बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करता है, इसको हम लोग सेल्फ करेक्टिंग एज बोलते हैं। और ये समस्या अगर सारे दांत आ जाते हैं जब परमानेंट एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, तब किसी ऑर्थोडोंटिस्ट से सलाह लें, अगर ये टेढ़े मेढ़े की संभावना रहती है तो। दांतों का सही रूप और आकार में होना केवल सुंदरता को ही प्रभावित नहीं करता, अपितु कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। दांतों में टेढ़ापन होने की वजह से दांतों में सड़न और मसूड़ों की बीमारी, पेरियोडोंटल डिजीजेस का खतरा बढ़ता है। दांतों और हड्डियों को नुकसान हो सकता है। चबाने और पाचन संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। अत्यधिक घिसाव होने की वजह से दांतों को क्षति होती है। बोलने में कठिनाई हो सकती है। आत्मविश्वास में कमी और दर्द की समस्या भी हो सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता लग जाता है कि ये दांत टेढ़े मेढ़े हैं और इनके भविष्य में भी टेढ़े मेढ़े रहने की संभावना है। और इसके बाद हम उसमें एक्सरे कराते हैं, OPG कराते हैं, CBCT कराते हैं, इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जिससे कि हमें ये पता लगता है कि टेढ़े मेढ़े दांत हैं। इलाज के लिए कई विकल्प हैं। अगर आपके बच्चा जो है ऐसी एज से गुजर रहा है जिसमें टेढ़े मेढ़े दांत हैं, तो उसके लिए किसी ऑर्थोडोंटिस्ट से सलाह लें। उसके पहले आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं और उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। इसमें मोस्टली ये देखा गया है टेढ़े मेढ़े दांतों में ब्रेसेज लगाए जाते हैं। आजकल कमर्शियली जो है कई तरह के ब्रेसेज अवेलेबल हैं, टूथ कलर्ड भी हैं और जो दिखते हैं वो भी है, और आजकल इनविजिलाइन भी आया हुआ है, तो उसका भी ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं किसी क्वालिफाइड ऑर्थोडोंटिस्ट से। टेढ़े मेढ़े दांतों के इलाज के लिए कई विकल्प हैं। ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा रिटेनर, एक्सपैंडर और अलाइनर्स भी अच्छे और उपयोगी विकल्प सिद्ध हो सकते हैं। कुछ लोगों के दांत गंभीर रूप से टेढ़े होते हैं जो अलाइनर्स या ब्रेसेस के माध्यम से ठीक नहीं किए जा सकते। ऐसे लोगों में सुधारात्मक जबड़े की सर्जरी की आवश्यकता होती है। सर्जरी द्वारा जबड़े और दांतों के संरेखण को संशोधित किया जा सकता है और उन्हें सीधा किया जा सकता है। आवश्यक है कि दांतों में टेढ़ेपन की समस्या होने पर समय नष्ट न किया जाए, बल्कि एक दंत विशेषज्ञ से परामर्श लिया जाए, इसका कारण जानकर सही इलाज करवाया जाए। किरण भारद्वाज, DD News।
और कार्यक्रम में अभी समय है एक